बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 5 इज कंटिन्यूएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। आज के लेक्चर में हम रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स के और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स के सेम हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखते हैं, जिसको हम टार्क कहते हैं। ट्रांसलेशनल में हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, जिसको हम एक्स कहते थे, लेकिन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास थीटा डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास वही रहेंगे, स्प्रिंग, डैम्पर और मास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोटेशनल स्प्रिंग को। रोटेशनल स्प्रिंग के लिए जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इस तरीके से होगी कि टॉर्क जो है वो हमारे पास इक्वल होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के, और वो मल्टीप्लाई होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब अगर हम स्प्रिंग को देखें, इसके बोथ एंड जो हैं अगर वो हमारे पास फिक्स्ड ना हो, तो देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है थीटा वन के पास, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंस होगा थीटा वन माइनस थीटा टू का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है? ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी इस फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट से, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, टॉर्क विल बी इक्वल टू के इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू। और अगर एक एंड को हम फिक्स्ड कर दें, अगर एक एंड हमारे पास फिक्स्ड हो, तो देन यही इक्वेशन हमारे पास बनेगी, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा। तो फिर हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वन साइड की कैलकुलेट होगी। फिर हमारे पास रोटेशनल डैम्पर है, यहाँ पे भी हम टॉर्क के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, अपनी मोशन की इक्वेशन बना सकते हैं। वो कैसे? अगर फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हम इस एंड पे देखें, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स जो है एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रही है इस डैम्पर में, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और डैम्पर में हमारे पास थीटा वन सिंगल डॉट इसलिए आएगा कि यहाँ पे हमारे पास डैम्पर का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, उसको हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और थीटा वन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये हमारे पास होगी टी इक्वल टू सी इंटू थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट। और अगर यहाँ पे भी हम एक एंड को फिक्स्ड कर दें, तो यहाँ पे ये थीटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बचेगा। और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें और उसको इस कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी इस डैम्पर के लिए। इसी तरीके से थर्ड जो एलिमेंट है हमारे पास मास, ये जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे, फोर्स का वही टर्निंग इफेक्ट यहाँ भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ रहा है। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल होगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से, हमारे पास ये चीज़ आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू जे थीटा डबल डॉट। जे थीटा डबल डॉट मीन डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि टॉर्क है, जो इक्वल होगा जे थीटा डबल डॉट के। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, रोटेशनल स्प्रिंग के लिए भी, रोटेशनल डैम्पर के लिए भी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी। यहाँ पे अब एग्जाम्पल वन है। एग्जाम्पल वन में हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि टर्निंग इफेक्ट थीटा वन प्रोड्यूस कर रही है।
यहाँ पे स्प्रिंग है जिसका के वन कॉन्स्टेंट हमने लिख लिया, वो स्प्रिंग अटैच्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास जे वन से, जे वन अटैच है जे टू के साथ, और ये अटैचमेंट जो है जस्ट फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शनल अटैचमेंट है। फिर जे टू स्प्रिंग के साथ यहाँ पे अटैच है और टर्निंग इफेक्ट क्यू थ्री यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्यू टू हो रहा है और स्प्रिंग जो है एक एंड से फिक्स्ड है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसको मैकेनिकल नेटवर्क में ले आते हैं। अगर नोडल एनालिसिस की तरफ हम इसके जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो मैसेज हैं, उनके नोड्स हमने बनाए, इन दोनों मैसेज के जे वन और जे टू यहाँ पे लिखा। अब देखें इस नोड के साथ के वन अटैच है तो हमने के वन इस नोड के साथ अटैच कर लिया। फिर हम देखते हैं कि के वन जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन हो रही है वहाँ पे हमारे पास टार्क फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस फोर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बी वन जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम एक डैम्पर से शो करेंगे, दोनों मास एलिमेंट्स के दरमियान ये कॉमन है तो ये दोनों नोड्स के दरमियान भी कॉमन होगा। अगर दोनों मास एलिमेंट्स के दरमियान ये कॉमन है तो यहाँ पे दोनों नोड्स के दरमियान भी हमने इसको कॉमन रख दिया। फिर हम देखते हैं स्प्रिंग टू जो जिसका कोफिशिएंट के टू है वो सिर्फ और सिर्फ जे टू से अटैच है और इसको हमने इस तरीके से नोड थ्री से अटैच कर लिया, तो ये हमारे पास मैकेनिकल नेटवर्क बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी मोशन की इक्वेशंस बना के सब्स्टिट्यूशन करके, ट्रांसफर फंक्शन हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन, फोर्स अप्लाई हो रही है स्प्रिंग वन पे, स्प्रिंग वन अटैच है जे वन से और यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट थीटा टू प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मास का हम फ्रिक्शनल फोर्स बी वन भी कंसिडर करेंगे। इस एग्जांपल में मास जे वन जो है जे टू से कनेक्टेड है, जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इसमें है, दोनों अटैच्ड हैं और जे टू एक डैम्पर से कनेक्टेड है, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा थ्री होगा और एक साइड से ये अटैच्ड है और जे टू की फ्रिक्शनल जो फोर्स है बी थ्री इस पर लग रही है। मैकेनिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे नोड्स बना लिए हमने, जे वन के साथ देखेंगे कि जे वन का जो नोड है यहाँ पे ये अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, तो इसको स्प्रिंग के साथ हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। फिर हम देखेंगे इस नोड के साथ के वन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स यहाँ पे लिख ली और ये फोर्स जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो लिख ली। अब जे वन के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स बी वन है वो इस नोड के साथ हमने अटैच कर ली, ये जस्ट इस नोड के साथ अटैच है और इसका इस फोर्स का दूसरे नोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी J2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो जस्ट इसको यहाँ पे ही ड्रॉ कर लिया। J2 जिस नोड के साथ है वो यहाँ पे की, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने लिखा कि Q3 है। अब J2 के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो B3 है, तो सिर्फ इसी के साथ है, इसी नोड के साथ हमने इसको टच किया सेम नोड के साथ, और दोनों नोड्स में जो कॉमन फ्रिक्शनल है फोर्स वो B2 है, तो वो दोनों नोड्स के दरमियान कॉमन फ्रिक्शनल फोर्स हमने B2 लिखी। इसी तरीके से B4 जो है वो जस्ट नोड इस नोड के साथ J2 वाले नोड के साथ है, तो इसको हमने इसी नोड के साथ कनेक्ट किया। ये मैकेनिकल नेटवर्क हमारा बन गया। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशंस बना के इसको ट्रांसफर फंक्शन के लिए सॉल्व कर लेंगे। सेम इज द एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे भी हमारे पास दो मास एलिमेंट है, एक J1 एक J2।
फोर्स यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रही है, टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट है वो जे टू पे है, जे टू पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल नेटवर्क जब बनाएंगे तो हम देखेंगे जे टू पे अपने टॉर्क को अप्लाई करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जे टू के साथ क्यू टू हो रही है, जे वन के साथ क्यू वन हो रही है। यहाँ पे एक डैम्पर लगा हुआ है, इसको हम बी वन कह देंगे, ये यहाँ पे अटैच्ड है। इस साइड पे स्प्रिंग के टू है, कॉमन एलिमेंट के वन और बी टू आ रहे हैं। मैकेनिकल नेटवर्क जब बनेगा फोर्स अप्लाई होगी जे टू पे, जे टू के साथ कनेक्टेड होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यू टू बनेगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स के वन और बी टू बनाएंगे और बी वन हम देखेंगे वो जस्ट कनेक्टेड होगा जे वन से, और के टू हम देखेंगे वो जस्ट कनेक्टेड होगा जे टू से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं, मैकेनिकल नेटवर्क भी बनाएंगे, देन सेकंड स्टेप में इक्वेशंस की तरफ जाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और अपना ट्रांसफर फंक्शन इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेम यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर फोर है, फोर्स अप्लाई हो रही है जे वन पे, जे वन कनेक्टेड है के वन के साथ, ये सीरीज में कनेक्टेड है डैम्पर के साथ, सेम ये सीरीज में कनेक्टेड है जे टू के साथ, जे टू हमारा कनेक्टेड है के टू के साथ, और तीन मैसेज हैं यहाँ पे और जे थ्री है, और इनमें हमारे पास जो कनेक्टेड हैं पैरेलल में डी टू और के थ्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका भी मैकेनिकल नेटवर्क बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। मैकेनिकल नेटवर्क जब बनाएंगे तो देखेंगे कि कितने हमारे पास नोड्स बनेंगे, वो नोड्स बनाएंगे, उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर लेंगे, देन देखेंगे कि हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है जे वन पे और दो एलिमेंट्स हैं डैम्पर के वन और के वन सॉरी स्प्रिंग के वन और डैम्पर डी वन, तो ये दोनों मैच में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इनको एज अ कॉमन एलिमेंट दो नोट के दरमियान शो करेंगे। फिर हमारे पास के टू डी टू और के थ्री, ये इन दो नोट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इसको इन नोट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स शो करेंगे। नेटवर्क बनाएंगे मैकेनिकल, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे अपने ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा, ये चार एग्जांपल्स हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे।